हेलो माय मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा सेल्फ लव सीरीज का डे 16। आज का टास्क बहुत स्पेशल है। आज हम हमारी मैनिफेस्टेशन को ऐड करेंगे। सो मैजिकल वे में हम खुद को चेंज करेंगे। सबसे पहले आप ना क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। मींस बॉडी डिज़ायर, बॉडी डिज़ायर हाइट, डिज़ायर स्किन, डिज़ायर हेयर्स। आपका डिज़ायर क्या है उसके लिए आप सबसे पहले क्लियर हो जाओ। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सेल्फ लव में होते हो तो आप कोई भी चीज़ बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर लेते हो, बिकॉज आपकी वाइब बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉरी। सो आज हम हमारी डिज़ायर बॉडी, डिज़ायर हेयर को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करूंगी। 4 स्टेप से आप इजीली, बहुत इजीली आप जो भी चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है उस चीज़ के लिए जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लॉन्ग हेयर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप उस जो हेयर, जैसे हेयर अभी आपके हैं, इन प्रेजेंट आप जैसे भी हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए, जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना शुरू हो जाओ। जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ ईजिली अट्रैक्ट होने लगेगा। इसीलिए ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है कि वो आपको सब कुछ ला कर देगा, पर आप शुक्रगुजार होना शुरू करो। आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। आप खुद को पैम्पर करना शुरू करो। खुद को प्यार देना शुरू करो। इसीलिए सबसे पहला आपका स्टेप होगा, जैसे भी अभी आपके हेयर हैं, जैसे भी अभी आपकी स्किन, हाइट, वेट, जैसा भी आप इन प्रेजेंट आप हो, उसके लिए आप शुक्रगुजार होना शुरू करो। इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी फॉलो कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड वॉक भी में भी ऐड कर सकते हो। हमारा सेल्फ लव सीरीज़ में भी एक टास्क है, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर बॉडी। आप उसमें भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजार होना शुरू करो। जितना ज़्यादा शुक्रगुजार होएंगे ना हम, उतनी ज़्यादा हमारी तरफ जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट होने लगेंगी। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर बॉडी, टूवर्ड्स योर हेयर्स, टूवर्ड्स योर हाइट। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए, जिन इन प्रेजेंट जो जैसी आपके पास हाइट है, वेट है, बॉडी है, स्किन है, हेयर है, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, हम सेल्फ लव में हैं, सेल्फ लव में हमारी वाइब बहुत ज़्यादा हाई है, तो अभी साथ साथ हम केयर करनी शुरू करेंगे। हम जैसे कि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, हम लॉन्ग हेयर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम लॉन्ग हेयर के अकॉर्डिंग ही खुद की केयर करनी स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कुछ भी DIY प्रोडक्ट हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑयलिंग करनी स्टार्ट कर दो, आप हेयर पैक लगाना स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब ये है कि अपनी केयर जो आपके हेयर्स के अकॉर्डिंग है, जैसे आपके हेयर्स हैं, जैसे उन पर जो चीज़ सूट करती है आप उसे यूज़ करना शुरू करो। साथ में आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दो, जिसमें चीज़ आ सकती है। आंवला हेयर्स के लिए बेस्ट है, आप खा भी सकते हो। आंवला, आंवला का जूस भी पी सकते हो, आंवला का पैक बनाकर भी लगा सकते हो, ये हेयर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। आप ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, जूस लेना शुरू कर दो। मतलब कहने का ये है कि अपनी केयर करनी शुरू करो। आप प्रोडक्ट्स भी यूज़ करो जो आपके हेयर्स के लिए सूटेबल है, स्किन के लिए सूटेबल है। साथ में आप हेल्दी डाइट लेना शुरू करो, और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी हमारा एक टास्क गया है सेल्फ लव सीरीज़ में, आप उसे डेली प्रैक्टिस करो। योगा कर सकते हो, और साथ में आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। बट आप को बहुत इजी रह के सारी प्रैक्टिसेस करनी है। इसमें कोई न्यू डिफरेंस टास्क मैं आपके लिए नहीं लेके आई हूँ, सारे पुराने टास्क हैं, बस इसके साथ हमारी मैनिफेस्टेशन ऐड हो गई है। सो आपका फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड पे करना है, सेकंड आपको केयर करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। वाटर आप जब भी लोगे, अफर्म्ड वाटर लो, ठीक है। हम पहले अफर्म वाटर ले रहे हैं ना, वहाँ पर हमारी अफर्मेशन क्या थी,
आई एम बेस्ट। अभी आप अगर हेयर्स के लिए ले रहे हो, अगर आप स्किन के लिए ले रहे हो, जो अफर्मेशन मैं आगे आपको बताऊंगी, उस अफर्मेशन का आप पानी के साथ अफर्म करके पानी को पियो। इससे इससे आपको इतने ज़्यादा मेजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आगे भी हमारा एक वाटर पे टास्क आने वाला है, उससे तो आपको इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप देखना आप प्यार में कितने ज़्यादा दीवाने हो जाओगे, आप खुद के लिए कितने ज़्यादा दीवाने हो जाओगे। सो आपका सेकंड टास्क ये है। थर्ड टास्क है आपका, आपको मैं एक अफर्मेशन दूंगी, उस अफर्मेशन का आपको यूज़ पानी के, जब आप पानी पियोगे तभी आपको यूज़ करना है, हमेशा जब भी आप पानी पियोगे, ठीक है। मॉर्निंग आप उठते, जो अफर्मेशन हमारी पहले चल रही है आई एम बेस्ट, वो आप यूज़ कर लो। डे के टाइम जब आप पानी पियोगे तब आप इस अफर्मेशन का यूज़ करना, ठीक है। आपको जब भी पानी पीना है अफर्म्ड वाटर ही पीना है। अभी आप क्या करोगे, कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हो हेयर्स के लिए, ऑयल्स यूज़ कर रहे हो, स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, हाइट के लिए, ठीक है, आप जब पानी पियोगे तब आप बोलना, वेट के लिए जब आप पानी पियोगे तब आप इस अफर्मेशंस का यूज़ करना। तो अफर्मेशन है जैसे कि हेयर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप बोलना कि थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लॉन्ग हेल्दी स्मूथ स्किन हेयर, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लॉन्ग स्मूथ स्ट्रेट सिल्की हेल्दी हेयर। अगर आप स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो तो थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ग्लास स्किन, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन। आप स्किन के लिए ऐसे यूज़ कर लेना। अगर आप हाइट के लिए, हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप बोलना थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एक्स वाई जेड हाइट। एक्स वाई जेड की जगह जो डिज़ायर आप हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। ये आप अफॉर्म वाटर के साथ भी पियोगे। अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, अगर जो भी आप डाइट ले रहे हो तो उसे पहले आप अफॉर्म कर लो, उसके बाद आप पानी पी लेना, ठीक है। और जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसे आप देखकर बोलो, और उसके बाद आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, और 1 मंथ के बाद आप मैजिकल रिजल्ट्स देखना। सो फर्स्ट था ग्रेटिट्यूड पे करना है, सेकंड आपको केयर करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अफर्म्ड वाटर पीना है, तो थर्ड था हमारा अफर्मेशन। आपको अफर्मेशन यूज़ करनी है जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे, जब भी आप पानी पियोगे तो आपको इस अफर्मेशंस का यूज़ करना है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप कोई भी अफर्मेशन मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सो अगर आपको कोई भी टास्क पे आपको वीडियो चाहिए तो आपके लिए डेफिनेटली मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी, बिकॉज़ मैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए आई हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। हम सब मिलकर हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे। सो थर्ड हमारा स्टेप हो गया, अभी फोर्थ स्टेप की तरफ चल रही है। फोर्थ स्टेप है हमारा विजुअलाइजेशन, इस पर एक न्यू वीडियो आएगी, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि विजुअलाइज का मतलब क्या होता है। विजुअलाइज का मतलब होता है हमें जो हमारा एंड रिजल्ट हमें चाहिए उसे हमें विजुअलाइज करना होता है। आईज क्लोज करके हमें सेम चीज़ को देखना होता है कि हमें क्या चाहिए, उसका एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करो। जैसे कि आप लॉन्ग हेयर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको विजुअलाइज़ करना होगा कि मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग हेयर्स हैं, मेरे हेयर्स इतने ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हैं कि जब मेरे हेयर्स हवा में उड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लोग मेरे हेयर्स की प्रेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। आपको ऐसे ही स्किन के लिए विजुअलाइज़ करना है, हाइट के लिए विजुअलाइज़ कर सकते हो, वेट के लिए विजुअलाइज़ कर सकते हो। सो ये है आपके 4 स्टेप्स, आपको इन्हें डेली 1 मंथ तक प्रैक्टिस करनी है। अब आप 21 डेज का भी टास्क ले सकते हो, बट आपको 1 मंथ तक ये प्रैक्टिस करनी है। आप देखना 1 मंथ के बाद आपको खुद में फील अब आना शुरू होगा, आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे, आपके जो आप डिज़ायर रिजल्ट्स हैं ना वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये आज का हमारा टास्क है, ये आपको डेली 21 डेज या 1 मंथ करना है, वो आप पे है। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है आपको तो प्लीज़ आप 1 मंथ तक इसे प्रैक्टिस करो। ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स आपको आपकी डिज़ायर बॉडी स्किन हेयर मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।